Hello students, welcome you all to EduVentures Learning. Our today's question is related to the chapter Life Processes, and the question is, what will happen if platelets were absent in the blood? अगर हमारे body में platelets या फिर हमारे blood में platelets नहीं होते तो उसका क्या result हो सकता था हमारे लिए? ये question in second में भी आ सकता है कि अगर हमारे body में platelets का फॉर्मेशन है तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है. दोनों ही क्वेश्चन का आंसर हमें बिल्कुल सेम लिखना है. द बॉडी द ब्लड प्लेटलेट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग. हमारा जो ब्लड प्लेटलेट्स है वो हमारे लिए रिक्वायर्ड है, नेसेसिटी है हमारी, इसलिए क्योंकि वो हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस में काम आता है. किस तरह से काम आता है? व्हेनेवर देयर इज एन इंजरी, अगर हमें कोई चोट लग जाती है, हमारे बॉडी से ब्लड लॉस होने लगता है. सपोज आपके हैंड में कहीं पे कट हो गया है और वहां से आपका ब्लड लॉस हो रहा है, इट इज नेसेसरी टू फॉर्म अ क्लॉट. उस वक्त हमारे बॉडी में, हमारे उस फिंगर में, पर्टिकुलर फिंगर में जहाँ से ब्लड आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वहां पे क्लॉट फॉर्म हो जाए, ताकि कुछ देर बाद जो थोड़ा सा ब्लड लॉस हुआ है वो स्टॉप हो जाए. अगर क्लॉटिंग नहीं होगी तो हमारा ब्लड कंटिन्यूसली फ्लो उस कटे हुए जगह से होता ही रहेगा. इफ देर आर नो प्लेटलेट्स देर विल बी नो क्लॉट फॉर्मेशन. अगर हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो वो वहाँ पे जो पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे इंजरी हुई है वहाँ पे कोई क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होगा, जिसके रिजल्ट में हमारे बॉडी में हैमरेज हो सकती है, इन विच देर इज कंटिन्यूस ब्लड लॉस, जिसकी वजह से वहाँ पे कंटिन्यूस ब्लड लॉस हो सकती है. कई बार ऐसा होता है, अब इंजरी है, एक्सीडेंट है, कुछ भी चीज़ें जो है वो ऑल ऑफ अ सडन होती है. कई जगह ऐसी होती है जहाँ पे अगर हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी अच्छी है तो कंटिन्यूसली वहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा होता है. हो सकता है कि वहाँ पे जल्दी से वो ब्लड क्लॉट फॉर्म ना हुआ हो सकता है वो प्लेटलेट वहाँ पे वर्क ना किया हो, या हमारी इंजरी बहुत ज़्यादा पड़ी है जिससे शायद ब्लड क्लॉट्स भी बाहर आ जा रहे हैं. एट दैट मोमेंट क्या किया जाता है, हमें कोई साफ कपड़ा या फिर कोई ऐसे नैपकिन्स वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं और बहुत ज़ोर से हमारे उस पर्टिकुलर पार्ट को जहाँ पे हमें चोट लगी है उसे बहुत ज़ोर से दबा कर रखा जाता है और जितनी जल्दी हो सके वहाँ पे फर्स्ट एड अप्लाई किया जाता है, या फिर हम लोग हॉस्पिटल और डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी ट्रीटमेंट्स एंड ऑल स्टार्ट करवाने के लिए. ऐसा सिर्फ इसीलिए किया जाता है, उस जगह को दबा कर रखा जाता है प्रेस करके, ताकि वहाँ पे नर्व्स या फिर जो जगह जहाँ पे चोट लगी है वहाँ से ब्लड का फ्लो रुक जाए, वहाँ से और ज़्यादा ब्लड की लॉस ना हो और हमारा बॉडी उस पर्टिकुलर जगह में या फिर किसी भी और ऑर्गन में हैमरेज ना हो. थैंक यू.